हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था मेमोरी यूनिट के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मेमोरी यूनिट दो टाइप्स के होते हैं, पहला मेन मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको मेन मेमोरी के बारे में बताया था क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए जानते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में, यानी कि द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने के कारण एवं इलेक्ट्रिसिटी पावर जब होती है बंद कर देने पर उसमें रखी जो भी अधिकतर जो हमारी डेटाएँ होती हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। तो इसे इच्छा अनुसार हम बढ़ा नहीं सकते और ना ही उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, मतलब कोई परमानेंट डिटेल्स हम उसमें स्टोर करके नहीं रख सकते। इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। सहायक मेमोरी की कीमत जो होती है उसकी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम होती है और डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अधिक होती है। इसमें ऐसी सूचनाएँ भंडारित की जाती है जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तथा जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती है, तब हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। यह मेमोरी कुछ चुंबकीय उपकरणों के रूप में होती हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए, मैग्नेटिक टेप हो गया, एक्सेट्रा। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, एक्सेट्रा। एवं सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क में आता है हमारा फ्लैश पेन ड्राइव और पेन ड्राइव हो गया, थंब ड्राइव हो गया, ये सारे हमारे आते हैं सॉलिड स्टेट डिस्क के बारे में। ये सारी हमारी जो मेमोरी इस सभी मेमोरी का उपयोग जो हम बैकअप के लिए करते हैं। तो कुछ मुख्य द्वितीयक स्टोरेज डिवाइसों का नाम आइए हम जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो कुछ सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में जो उनके नाम है वो इस टाइप के हैं। फ्लॉपी डिस्क हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क हो गया ये भी, मेमोरी स्टिक हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, डिस्क का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया और मैग्नेटिक टेप हो गया। ये सभी हमारी थी सेकेंडरी मेमोरीज के टाइप्स। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूज़फुल नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।